workout time. तो इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। तो अब तक आपने देखा आगरा का मौसम, मेरी पालक आलू की रसेदार सब्जी और मेरा आई मेकअप और मेरा व्यायाम। इन सब के बाद आपको देखने को मिलेगा फूट फूट फूट। तो ये है चटनी और ये है बेसन का घोल और ये हम बना रहे हैं चीले। तो भाई इतने सारे वर्कआउट के बाद ऐसा खाना, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब मुझे वज़न कम करना होता है ना तो घर में बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनने लगती हैं। ये खाने की मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मेरी हाँ सासू माँ की ज़रूर इच्छा थी। पर ऐसा भी नहीं है कि ये मैंने नहीं खाया, खाया था एक छोटा सा बना के। तो ये है बेसन का चीला जिसमें मैंने डाला हुआ है ये लिखी हुई स्क्रीन पे सारी चीज़ें और इन सबको मैंने पानी डाल के अच्छे से इनका एक घोल बना लिया और बस उसको तवे पे डाला और दोनों तरफ सेक लिया और इसमें हल्की सी ऑयलिंग कर दी। तो वैसे आज का दिन मैं अपनी बेटी के नाम करती हूँ क्योंकि उसने ही आज मेरा आई मेकअप किया, मुझे वर्कआउट कराया और अभी आप देखेंगे कि रात में उसने ही वाइट सॉस पास्ता भी बनाया। तो वाइट सॉस पास्ता का डिटेल वीडियो मैं आपको अपने शॉर्ट रेसिपी चैनल पर डाल दूँगी। ये वाला पास्ता हमने बनाया है और विधि को आसान करने के लिए मैंने उस पास्ते को एक सीटी लगवा दी थी जैसा अभी आपने देखा कुकर में। और ये सारी मैंने उसको तैयारी करवा दी कि इसमें क्या क्या चाहिए। मैं वहीं खड़ी थी, वो इतनी मतलब थोड़ा देखना पड़ता है, इतनी बड़ी नहीं है कि अच्छे से बना ले। अभी उसको नया नया ये कुकिंग का शौक हुआ है तो मेरी निगरानी में ही ये पूरा काम वो कर रही है। ये देखिए उसके हैं छोटे छोटे हाथ। बच्चे जब घर के कामों में इस तरह से हाथ बटाने लगते हैं तो यार बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से जब बेटियां इतना करती हैं यार माँ लोगों को तो बहुत ही आराम मिलता है। तो चलो आशा करती हूँ आपने मेरी इससे पहले की जो इसी सीरीज़ की जो दो वीडियो हैं वो ज़रूर देखी होंगी। तो इसके बाद भी यार एक मैं गई थी एक जगह, वही आगरा का फेमस बेस्ट प्राइस, लेकिन यार मैं जब वहाँ से आ गई तब मेरे को होश आया कि यार मैंने कुछ शूट ही नहीं करा। यार ऐसा मेरे साथ बहुत होता है और कई बार मैं शूट कर रही होती हूँ तो कैमरा ही पता नहीं क्या हो जाता है, वो शूट ही नहीं करता है। क्या झमेले हैं मेरे साथ। खैर वहाँ से मैं क्या लाई, एक अच्छी सी चीज़ लाई हूँ उसका मैं आपके साथ आपको बताऊँगी, उसका रिव्यू करूँगी और वो चीज़ ऑनलाइन भी मिलती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है या फिर आने वाली किसी वीडियो में आपको वो देखने को ये मिल जाएगा। तो अब आप ये रेसिपी इन्जॉय करिए, देखिए और मेरे दूसरे चैनल पर ज़रूर जाइएगा। इस रेसिपी का पूरा आपको लेखा जोखा मिल जाएगा, क्या डाला, कितना डाला, कैसे बनाया। पता एक दिन पहले भी मेरी बेटी ने एक डिश बनाई थी पर अफसोस मैं शूट करना भूल गई उसकी रेसिपी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे।